मुरादाबाद के थाना सिविल लाइन क्षेत्र अंतर्गत पीली कोठी चौराहे के पास उस समय हड़कंप मच गया जब एक पेड़ गिर गया। ये पेड़ बीच सड़क में गिर गया जिसके बाद यातायात पूरी तरह से बाधित हो गया। ट्रैफिक पुलिस और नगर निगम की टीम ने पहुंचकर उस पेड़ को हटाने का काम शुरू कर दिया। लगभग एक से डेढ़ घंटे में उस पेड़ को रोड से हटाया गया और यातायात सुचारू रूप से चलाया गया। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद के थाना सिविल लाइन इलाके के पीली कोठी चौराहे के पास सड़क किनारे पेड़ गिरने से यातायात बाधित हो रहा है। सड़क किनारे पेड़ गिरने की वजह से वाहन चालकों को परेशानी हो रही है। ट्रैफिक पुलिस के साथ नगर निगम की टीम मौके पर पहुंचकर अभियान चला रही है। नगर निगम की टीम ने कई घंटों की मशक्कत के बाद पेड़ को सड़क से हटाया, यातायात सुचारू रूप से दोबारा शुरू कर दिया गया है। मुरादाबाद जनपद के थाना सिविल लाइन इलाके के पीली कोठी के नजदीक अचानक एक पेड़ देर रात गिर गया जिसके चलते वहां से गुजरने वाले राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। पेड़ गिरने के कारण कुछ ही देर में भयंकर जाम लग गया जिसकी जानकारी मिलते ही ट्रैफिक पुलिस मौके पर पहुंच गई और आनन फानन में मामले की जानकारी नगर निगम के अधिकारियों को दी। नगर निगम की टीम ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू चलाना शुरू कर दिया। घंटों की मशक्कत के बाद दोनों ही टीमों ने रेस्क्यू कर पेड़ को सड़क से हटाया जिसके बाद यातायात को दोबारा सुचारू रूप से चालू कर दिया गया। लेकिन कहीं ना कहीं सारी रात यात्रियों को परेशानी आई, लेकिन जिला प्रशासन की मेहनत के चलते कुछ ही देर में दोबारा व्यवस्थाएं दुरुस्त कर दी गई। ये पीली कोठी के बराबर में गिरा हुआ है रोड पे और नगर निगम की तरफ से उठवाया जा रहा है। ये तो रोड वोड भी बीच में गिर गया, जाम हो गया। हाँ, जाम है। कब गिरा था, सूचना कब मिली थी आपको? ये मुझे सुबह ही सूचना मिली थी 7:30 बजे। कितनी देर हो गई आपको ये सब करते हुए? मुझे कम से कम आधा घंटा तो हो ही गया। कितनी देर में यहाँ हटाने का काम पूरा कर लेंगे? ये ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे ही आधा घंटा लगेगा। सब यातायात सुचारू रूप से हो जाएगा फिर? जी जी। अच्छा, जैसे पेड़ जर्जर हालत में उनकी छटाई करने का काम भी शुरू कर रही है नगर निगम? हाँ, वो भी होता है।